हरे माधव। प्यारी साथ संगत जीओ, जिस प्रकार दीपक की रोशनी से अंधेरा घर रोशन हो जाता है, उसी प्रकार हरी राया सतगुरु जी के पावन श्री चरणों में भाव से की गई अरदास पुकार से मन अंतर प्रकाशित हो जाता है। इस वास्ते आइए साथ संगत जियो, हम सभी मिलकर एकजुट हो अनंत अमृत बल से भरी हरे माधव वाणी अरदास करें जी। हरे माधव। मेरे सत गुरा हम शरण तेरी आए तेरे हवाले सारी संगत तेरे
संगत जी, सत्संग अर्थात सत्य की संगति, हरि राया सद्गुरु के पावन सत्संग में जीव को परम सत्य का भेद मिलता है। संगतों, जिस प्रकार हर रोज हम दर्पण को देखकर खुद को संवारते हैं, वैसे ही पूर्ण सात संगत रूपी दर्पण में बैठ मन को संवारें। आइए दुनियावी सभी कार्यों से विराम लेकर एकचित हो सत्संग के पावन वचनों का रसपान करें जी। हरे माधव। हरे माधव। वाणी संत सतगुरु बाबा माधव शाह साहेब जी। मेरा सतगुरु पुरख अपारा, मेरा सतगुरु पुरख अपारा। ओह सतगुरु सतपुरख साधो, ओह सतगुरु सतपुरख साधो, आए जग में अमृत संत खेल रचे, कहे माधव शाह सुनो साधो, जागो मान वचन प्रतीत धरो, बिन सत गुरु सब जग धुंधकारा, बिन सत गुरु सब जग धुंधकारा, धुंधकारा भर में फिरे, भर में फिरे, भर में
फिरे। पूरन सतगुरु की पनाह में बैठे प्यारे सत्संगियों, आप सभी को हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव। आज की पावन निर्मल वाणी हमारे प्यारे सतगुरु पुरनूर अनहल मौज के बेपरवाह साहेब सतगुरु बाबा माधव शाह साहेब जी की रूहानी रब्बी वाणी है, जिसके माध्यम से आप जी समझाते हैं मेरा सतगुरु पुरुख अपारा, मेरा सतगुरु पुरुख अपारा। वह सतगुरु पूरा गुरुदेव अविनाशी रूप को ओढ़ के आया और नाश देही को ओढ़ वह अविनाशी वतन मुल्क की राजदारी रमजों एवं ऐनिश की हो बहु सारी तालीम वचन संदेश इस नाश रचना के ऊपर जो अविनाशी दुनिया है आत्म को वहां तक पहुंचने का उसमें समाने का पूरा भजन एवं अविनाशी राह दिखाता है। वह पूरन सतगुरु विदेही मुक्त जगत से आया, देह को ओढ़कर वह जीवन मुक्त होकर भी जन्म मरण के जगत में भिन्न भिन्न स्वांग रचकर जगत की सोई रूहों को जीवन मुक्त मुकाम का होका देकर चिताता है। वह जीवन मुक्त दयाल सतगुरु कभी रोचक वचनों के द्वारा, कभी स्वांग लीलाओं के द्वारा हमें चिताते हैं, पर सारी यथार्थ खेल तह में केवल एक ही उद्देश्य कि हर कोई रूह अमरता का सुख पाए। क्योंकि मेरा सतगुरु पुरुख अपारा, मेरा सतगुरु पुरुख अपारा। वक्त के पूरे सतगुरु में बेशुमार खूबियां कलाएं भरी होती हैं, पर उसका अंत नहीं पाया जा सकता। अब कौन जाने अनंत का था, कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवन। पूरा सतगुरु सच्चे आलमों का अविनाशी रूप है, वह बेशुमार खूबियों से भरा रहता है, वह उन्मुन मौन में बैठा रहता है। खेल रचकर भी देव गंधर्व ऋषि जन भी उनके गहबी दैवीय प्रताप को नहीं जान पाते। जब वह अपनी बेपरवाही मौज से भ्रमण वर्तन करता है तो वह गहबी राज खोलता जाता है। वह अलक हरे माधव परम पुरुष की बादशाहत सफल बंदगी की शुद्ध बातें कहता है, क्योंकि वह सचखंड से आता है और झूठ खंड की दुनिया में जो उनके वचनों आदेशों पर चलते हैं वह उन्हें सचखंड की नाव में बैठा धुरधाम ले जाता है। जिस तरह प्यारे सत्संगियों सूरज के सारे खेल सारी किरणें रोशनी से भरी हैं, चाहे फिर वह आड़ी टेढ़ी तिरछी हो, तह का ध्येय केवल एक है जगत के जीवों को रोशनी प्रदान करना। तैसे ही सच्चे पातशाह सतगुरु की सारी आनंद विनोद बातें केवल जगत मंडल के जीवों को नूर की रोशनी में नहाना उनका तह का मकसद तो यही है। पर हमारी भावना जैसी होगी हम वही समझ पाते हैं। वह यथार्थ गुरुमत का मार्ग इतना सहज सरल कर देता है कि हम दुर्मत को छोड़ आत्म की जो गूढ़मती है उसी का अनुसरण करते हैं। वह प्रभु रूप साचा सतगुरु तो इसी वास्ते धरा पे आता है। पूर्ण संतों का कार्य क्षेत्र अवतारी पुरुषों से सर्वथा भिन्न भिन्न स्वतंत्र होता है। अवतार केवल इस लोक में कार्य करते हैं जिससे किस दुनी संसार का कार्य सुचारू रूप व्यवस्थित ढंग से चल सके।
पूरन सतगुरु एक सच्चा पातशाह है, जो दयालु मेहरबान करुणामान विरदवान भी है। वह करुणा का महासागर है। उनके अनंत साम्राज्य में भारी से भारी कर्मों का हिसाब नहीं किया जा सकता है, पर साफ सुथरे शरणागति होकर ही सौगात दात मिलती है। वह परम प्रभु हरे माधव से एक रूप होने के कारण हरेक जीवात्मा को उसी के अंदर बहने वाली चैतन्य जीवन धारा को मंत्र नाम का दान देकर उसे जगाता है। साचे संत सतगुरु को पूरी तरह समझना किसी के बस की बात नहीं, और कभी दावा भी नहीं करना चाहिए। सदैव तौबा निजारी वचनों चरणों में प्रीत होनी चाहिए। वह प्यारा सच्चा सतगुरु अपनी विशेष रूहानी रियासत का उपयोग करता है। संक्षेप में कहें, वह फांसी की सजा को कांटे की चुभन में बदल देता है, जिसे सतगुरु बाबा नारायण शाह साहेब जी सिंधी वचनों में फरमाते हैं, सूर्यमा कंडो बाबा सूर्यमा कंडो। वह कभी कभी अपनी देही को तकलीफ भी देता है। शायद सामान्य बंदे के लिए यह बड़ी विपत्ति वाली बात होती है, क्योंकि यह सब देहधारियों के लिए प्रकृति का नियम है, मगर प्यारा सतगुरु उसे अपनी देही पर सहज उठा लेता है। वह पार ब्रह्म एक महान ताकत है। मनुष्य का मन इसको व इसके पार लोकों को अपनी पकड़ में नहीं ला सकता। केवल जीवन मुक्त प्रभु रूप सतगुरु दावे के साथ उसके बारे में पूरा समूरा कह सकते हैं। सतगुरु बाबा माधव शाह साहेब जी ने वाणी के द्वारा ऐसे परम वचन कहे, आदि अनादि के पार की कहूं, तह जन्म मरण के फूल न खिले, तह कोई 84 के फेर ना फिरे, ना ही धरत नभ सूक्ष्म मंडल के पसारे। कहे माधव शाह सुनो प्यारो, ये बात पूरी निराली पूरी निराली, तत्व खंड के धाम की मैं मस्त मौला भेद कहूं, तत्व खंड के धाम की मैं मस्त मौला भेद कहूं। आप प्यारे हुजूर बाबल जी जिस अखंड निर्विकार मुकाम की वाणी के द्वारा बात कह रहे हैं, मैं मस्त मौला भेद कहूं, आप जी ने जिंदगी भर पूर्ण होकर दया प्रेम करुणा विरदवान भिन्न भिन्न भारी रोचक भयानक स्वांग रचकर अजायब नूर की बात भी सुनाई, मगर खुद को छिपाकर भी खेल रचा। आप जी ने जीवों के कर्म एवं रूहानी वचनों शरी की मार से प्रेमी जनों का आत्म हित किया। जो समरे सो समरे, जो बिगड़े फिर भी काल के हाथों तिगड़े। हाजरा हुजूर बाबा जी अपनी इलाही वाणियों में ऐसे ऊंचे हुक्मनामे में अक्सर हमें सुनाते हैं। आप जी फरमाते हैं, ऐसो अनुभव नूर परम आदि अनादि के पारा, नूर बैठ सतगुरु संग, मैं किया आदिना अनंतना, ऐसो परम नूर निजानंद में सदा मस्त किया, दास ईश्वर उस अनोखे हरे माधव पुरुष की बात कही, जन्म मरण पैदा न होत है, दिवस रैन सब ढंग एकस होत है, जन्म मरण पैदा न होत है, दिवस रैन सब ढंग एकस होत है। सभी पूर्ण कमाई वाले जो आत्म परमात्म के एको विशाल चोटी पर पहुंचे, बात एक कही, अनुभव निराले अपरस की, जहां पूर्ण संतों का धाम है, अनाम हरे माधव परम पुरुष जहां अखंड शांति
पूर्ण अनहदि अखंड विश्राम है। पूरे सतगुरु की दया मेहर से इंसान मन पर सवार हो सकता है, तभी मन को मार कर अमन प्रभु में मिल सकोगे। पूरा गुरु तो हमेशा अंग संग है, हम ही स्मरण भूल जाते हैं कि वह हमारे अंग संग है। मन गिरा देता है मगर पूरा सतगुरु हमें देता है पूरा पुख्ता अमर शक्ति वाला नाम, फिर उससे शब्द नाम को प्रकट कर देता है। उसे सुनकर रू शब्द धुन में सवार होकर अंदर के ऊपरी मंडलों में पहुंच जाती है। जब चाहे उड़े, जब चाहे आ जाए। सतगुरु बाबा नारायण शाह साहेब जी ने बड़ी न्यारी सुनहरी बात कही, जियरे सेजा मौत की। सतगुरु प्यारा, मन आत्म को सही खुराक देता है, ऐसा साचा अमृत नाम जो यह इंसान और कहीं भी सुन लेता है पर वह सिद्धि फलदायक नहीं होता। जब तक कमाई वाले सतगुरु, कमाई वाले पूर्ण महात्मा के मुख से यह नाम तवज्जो शक्ति नहीं मिलती, तब तक वह फलता फूलता नहीं है। यह नाम ऐसा होता है जैसे कि नर्सरी में पौधे तो पड़े रहते हैं पर वे कभी वट वृक्ष नहीं बन पाते। वह सतगुरु अमर जीवन दाता है, उसके वचनों को शल छिद्र कपट द्वारा नहीं उठाना चाहिए। वर्ण शुद्ध मनन एवं पूर्ण लगन निष्ठा से उसे कमाना चाहिए, क्योंकि उनके हरेक वचन के अंदर जीव का ही हित है। बेशक कर्मों के पेचीदे जंजाल को उनके वचनों पर चलकर ही स्वाहा किया जाता है। पूरा सतगुरु नूर की निगाह हर बार करता है और वह उन्मुन की निगाह मौन होकर ही करता है। बहुत लोग नूर के पास उनकी सुरीली निगाह में रंग जाते हैं और वे ही तो बयान करते हैं, मैंने सतगुरु की दया से सुहेली नजर से भीतर झांका और हंस पड़ा। जिस मंजिल की तलाश में मैं दौड़ रहा था वह मंजिल खुद सलाम करने आ रही है, क्योंकि हरेक गुरुमुख मुरीद के जीवन काल में प्रेम पथ पर एक ऐसा पड़ाव भी आता है। वक्त का पूरा सतगुरु वैद है, पूरा सर्जन है, वह आत्म विवेक की अंदरूनी आंख खोलने की युक्ति देता है। उसके नुस्खे तुम्हारे आंख पर जो जाली जम गई है उस जाली को काटने की दवा औषधि भी देते हैं। सेवा, सत्संग, सिमरन, ध्यान और सबसे गहरी तह की बात है संतोष, प्रेम, पूर्णतः समर्पण। सदगुरु साहिबान जी समझाते हैं, जिनके बड़े ऊंचे भाग नेक कर्म हो उन्हें पूरे गुरु की सत्संगति प्राप्त होती है। धरती जब पुकार करती है, हे प्रभु मेरे ऊपर बोझ भारी दबाव बढ़ता जा रहा है, धरती कहने लगी करतार से मैं यह बोझ नहीं झेल पा रही हूं, तब प्रभु ने कहा, हे धरती क्या तुझ पर बोझ पहाड़ों वनस्पतियों का है? क्या तुझ पर बोझ जानवरों महासागरों का है? क्या तुझ पर बोझ भारी भारी पर्वतों का है? अगर तुम कहो तो उन पर्वतों सागरों वनस्पतियों को सुखा दूं, जिससे धरती तू हल्की हो जा। तब धरती माँ पुकार विनती कर बोली, मुझ पर इन सब चीजों का बोझ नहीं है, भार नहीं है मेरे ऊपर, बोझ उन कृतघ्नों कुआरी मनमुखों का है जो इस धरा पर तेरा सब कुछ दिया, यह बुत, श्वास, हवा, पानी, रोशनी, आहार विहार करते हैं फिर भी काल के उपासक बने हैं और तेरा सिमरन भजन नहीं करते। प्रभु ने धरती का विलाप सुन कहा, हे धरती मैं वक्त वक्त समय समय पर
जहां जिस मुल्क फिरके पर जब पूर्ण समरस सदगुरु के जहूर की कमी हुई, वहां मैं उन्हें भेजा करता हूं और भेजूंगा, और वे आकर नाम आत्म प्रेम परम अमृत एवं जीवों के तापों को हर कर उन्हें अपनी शरण ओट में रख पाक निर्मल कर मेरे परम धाम रूहों को ले आते हैं। वे आत्म रूप एकस अनुभव की तहकीकात सच्चाई को इस धरा में आके गांव खेड़ों कस्बों में भक्तों सेवकों की टोलियां लेकर मेरे असल न्यारे सत्य रूप की बातचात की चाबियां कुंजियां जीवों को बख्शकर चिताते हैं। वे विरद्वान करुणावान परिपूर्ण कृपालु दया मेहर बख्शिशों की धाराएं लुटाते हैं एवं कृतघ्नों दुष्ट प्रवृत्तियों को सत्य धर्म में लगाकर बंदगी से सेवा चाकरी से जोड़ देते हैं। जब सदगुरु प्रकट होते हैं जिस गांव शहर कस्बे में, वहां धन समृद्धि परम ईश्वर का ऐश्वर्य खुलकर जीवों को वे बांटते हैं। पर भारी से भारी असुरी लोग मद में फूल जो इस खुदाई खेलों को मैला करते हैं, वे उनके लिए कड़ी नियम बनाते हैं। वक्त के पूरन सतगुरु के खेल का एकमात्र ध्येय जीव जगत का आत्म हित ही है। आप देखो, वक्त का पूरन सतगुरु ज्ञानियों के साथ बैठकर ज्ञान के गहरे भेद खोल देता है। बड़े बुजुर्गों के संग बैठ बुजुर्गी ख्यालात और ऊंची तहजीबों की बात कह देता है। ब्रह्म ज्ञानियों की सभा में बैठ अमृत की बादशाह के राज उन्हें दे देता है। और कभी कभी इतना क्षेत्र फैलने के बाद मैनेजमेंट की विधियां खोलकर भी बताता है, और बच्चों के संग खेल कूद कर उनके साथ हिलमिल जाता है। कभी वह मनोरंजन की सुरीली चर्चाएं भी करता है, कभी कभी वह कवियों की तरह कविताएं साहित्य भी रच बोल लेता है, कभी वह ज्योतिषियों की तरह बोल कह देता है, कभी वह माटी भांडों की सेवा करता हुआ सेवक जनों के साथ मिल जाता है, और कभी कभी वह अपने नूरे जलाल में हमें अर्शो सचखंड के हूबहू साफ आईने दिखाता है। जब कभी काल असुरी प्रवृत्तियों के लोग मद अहंकार में पड़ जाते हैं, तो वे उनकी चालों को मोड़कर विरद्वान पिता की तरह फटकार कड़क वचन कहता है, और सफल सर्जन की तरह मानसिक आदि दैविक आदि भौतिक यानी तीनों तापों के ऑपरेशन भी सर्जन की तरह कर देता है और उन्हें दैविक राह भी देता है। प्यारा सतगुरु अपने हरे खेल भेद को सेवा समझकर पूर्ण होकर वर्तन करते हैं। वे कभी पानी की तरह निर्मल हल्के सहज होकर, कभी बर्फ की तरह कठोर होकर चैतन्य धर्म की ताकत को बढ़ाते हैं। यह कायनात पशु पक्षी चर अचर सूर्य चंद्र उस प्रभु दाते माधव पुरुष के संविधान से दौड़ रहे हैं। सतगुरु कभी कभी अपनी मौज में अपनी परिपूर्ण हस्ती का खोलकर हवाला भी दे देता है कि वह जन्म यश से रहते हैं। वह कभी भोला दास गुलाम सेवक बन हमें सचेत करता है, क्योंकि पूरे सदगुरु की धरा पर मौजूदगी निर्गुण प्रभु की सरगुण मौजूदगी है। क्योंकि सदगुरु मालिके कुल के रंग से पिरोया हुआ है, और मालिके कुल सतगुरु के रंग से पिरोया हुआ है। सतगुरु में प्रतीत प्रेम उसकी भक्ति करना पावन चरणों में बेपनाह प्रेम मोहब्बत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यह सारा नेह प्रभु से ही है। समरस सतगुरु के चोले में हरि प्रभु दयाल काम करता है।
वही करने हार कुले दातार हैं, हरे माधव परम प्रभु हैं। हमें शुक्राना करना चाहिए कि उस दीन दयाल ने हमें ऐसे समरस सतगुरु परम दयाल से मिला दिया। उसकी संगति छाओं में आज हम सब बैठे हैं। रूहानी मार्गदर्शन जिनकी मेहर से हमें मिल रहा है, वह प्रभु समृत गुरुदेव इंसानी तन में अपना काम करता है। वह सभी से प्यार करता है, उसकी आंख खुली है दिन में उजाले की तरह। वह एक चीज को साफ साफ देखता है, खुली आंखों से वह देखता है। करीम की अपार कृपा है कि उसने हमें मिले हुए से मिला लिया, जो हमारे जीवन के हर एक पग पर हमें मार्गदर्शन देते हैं। हमें नित प्रतिदिन सत्संग वचन सेवा बख्श कर प्रभु के धाम में ले जा रहा है। इस दुनी जहां का लेन देन भुगत कर कर्मों का भारी हिसाब चुकता करके हमारा साहेब पथ प्रदर्शक बन अपनी छाओं में रख हरे माधव निज घर अखंड सचखंड धाम में पहुंचा देता है। वह हमें घर बार की गृहस्थी की जिम्मेदारी निभाने को कहता है और समझाता है कि कार व्यवहार निभाते हुए अपना अंदरूनी रुख साथ संगत में रखो। सो विनती है हरि राया सतगुरा के श्री चरणों में, हे मेरे हरि माधव परम दयाल अगोचर साहबी के मेरे सतगुरु शहंशाह, हमें नाम सिमरन ध्यान का मीठा गुलाब बख्शे। अपने पावन चरण कमलों का अटूट अगाध प्रेम भक्ति बख्शे। इस देव दुर्लभ इंसानी जन्म में निज स्वरूप की बादशाहत का भेद सोझी आप जैसे सच्चे लोग के सच्चे पातशाही देने में सर्व समर्थ हैं। दया कीजिए मेरे प्यारे साहिब जी, मेरे माधव जी। कहे माधव श्याम सुनो साधो, जागो मान वचन प्रतीत धरो। बिन सत गुर सब जग धुंधकारा, बिन सत गुर सब जग धुंधकारा, धुंधकारा भर में फिरे, भर में फिरे, भर में फिरे। सदगुरु बाबा नारेश साहेब जी का समस्त जीवन, हर शिष्य को सदगुरु चरणों में अटूट प्रेम, संपूर्ण समर्पण, खुदी को मिटाने, नीवेपन और सदगुरु चरणों की असीम सेवा की सीख देता है। उनके ऐसे दिव्य गुणों को अपने जीवन में ढालने का उत्सव है शहनशाह सदगुरु बाबा नारायण शाह साहेब जी का प्रकाशोत्सव। सात संगत को सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, आगामी 11 जुलाई दिन रविवार शाम 7 बजे शहनशाह सदगुरु बाबा नारायण शाह साहेब जी का प्रकाशोत्सव बड़े ही उमंग उत्साह के साथ हरि माधव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। सात संगत जी, ऑफिशियल चैनल से जुड़कर हरि माधव सत्संग में हाजिरी लगा सच्चा आत्मिक आनंद प्राप्त करें जी। हरि माधव। एह पवित्र रबी बाणी हरे माधव दरबार माधव नगर कटनी
मध्य प्रदेश के रहने वाले पंचम पातशाह हाजरा हजूर संत सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी द्वारा फरमाई हुई रूहानी अमृत बाणी है। कहिंदन जदों भी पूर्ण अकली कला दे मालिक पूर्ण संत सतगुरु इस तरह ते आंदे हन, तुर धाम तो वो उस दाते करतार दे द्वारा बख्शी हुई अमरा बाणी लैके उन्हां दा पैगाम इको एक हुक्म संदेश जो सभी धर्मां दे लिए राह रोशनी दा भेद देंदे हन। असे सारे कितने वड्डियां भागां वाले हैं कि सानू उस प्यारे बाबे दा ओट आसरा मिलिया है। खुश नसीब हाँ असे सारे कि सानू ए उच्ची संगत गुरप्रसाद दी दात मिली है। हरे माधव दाते करतार दे चरणा विच हथ जोड़ के बेनती अरदास करदे हाँ कि सानू वह प्रेम और प्यार प्रीत बख्शिश करन ताकि कली काल दी हवा सानू ना लग सके। हे मेरे बाबल, हे मेरे प्रीतम, दया करो, रहमत करो साढ़े सब जीवां दे ऊपर। बल बल जाऊं हो बल बल जाऊं माधव मेरे माधव मेरे बल बल जाऊं हो बल बल जाऊं माधव मेरे मेरे सतगुर पुरख सुजाना मेरे सतगुर पुरख सुजाना बल बल जाऊं हो बल बल जाऊं माधव मेरे बल बल जाऊं हो बल बल जाऊं माधव मेरे सतगुर पूरा मेरा सतगुर पूरा सब सुख देवे घट अंदर सब सुख देवे घट अंदर बल बल जाऊं हो बल बल जाऊं माधव मेरे बल जाऊं बल बल जाऊं माधव मेरे वड समर वड शाह
की वडियाई साधु वड तिस की वडियाई साधु मन मूरख कुछ मेहमान जाने मन मूरख कुछ मेहमान जाने सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा बल बल जाऊं ओ बल बल जाऊं माधव मेरे माधव मेरे बल जाऊं हो बल बल जाऊं माधव मेरे माधव मेरे Thank you.
सेव तू देवो ऐसी प्यारे घट अंदर तू पुजे घट अंदर तू पुजे हरी राय मेरे दाता हरी सब ये तेरा पसारा सतगुर सब ये तेरा पसारा बल बल जाऊं हो बल बल जाऊं माधव मेरे बल बल जाऊं बल बल जाऊं माधव मेरे माधव मेरे जन्म जन्म काले सद सद तेरा मीठा बल बल जाऊं बल बल जाऊं माधव मेरे बल बल जाऊं बल बल जाऊं माधव मेरे ईश्वर बिनती करत है दास ईश्वर बिनती करत है जैसे तू चलावे तेरी शरण सुखदाई
जैसे तू चलावे तेरी शरण सुखदा। बल बल जाऊं हो बल बल जाऊं, माधव मेरे माधव मेरे। बल बल जाऊं हो बल बल जाऊं, माधव मेरे माधव मेरे। मांगो दान ठाकुर मेरे, मांगो दान ठाकुर मेरे, सब तेरी ठकुराई। सब तेरी ठकुराई, हरे माधव पुरख अकाला। हरे माधव पुरख अकाला, हरे माधव पुरख अकाला। हरे माधव पुरख अकाला। बल बल जाऊं बल बल जाऊं, माधव मेरे माधव मेरे। बल बल जाऊं बल बल जाऊं, माधव मेरे माधव मेरे। सतगुर पुरख सुजाना, सतगुर पुरख सुजाना। बल बल जाऊं बल बल जाऊं, माधव मेरे माधव मेरे। बल 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 रखना, प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगा।
तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है, तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, बल हो हारे के साथी, हर दीपक में है तेरी वादी। निर्बल के बल हो हारे के साथी, हर दीपक में है तेरी वादी। माधव तेरे ही नूर से रोशन जग सारा है, माधव तेरे ही नूर से रोशन जग सारा है। तुझसे ही चमक रहा हर चांद सितारा है। लगाए रखना, प्रभु प्रेम बनाए रखना।
बचाए रखना, प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। हर बार वंदन करें सतगुरु जी को प्रणाम, होगा सबका कल्याण। आओ धुनी लगाएं भाव से, हरे माधव हरे माधव, हरे माधव 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 हरे हरे, हरे माधव हरे माधव 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 हरे हरे, हरे नारायण हरे नारायण 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 हरे हरे, हरे हरे माधव हरे नारायण गोविंद मनोहर हरे हरे, हरे माधव हरे नारायण गोविंद मनोहर हरे हरे, हरे माधव